हेलो जी, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे नए एक नए वीडियो नए व्लॉग में। आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल, जो हमारे पुराने गांव की स्टाइल से पुराने घरों में बनाते हैं। हमारी बहुत पुरानी रेसिपी है ये, जो नानी दादी के स्टाइल से मेरे घर के हिसाब मेरी मम्मी के जैसे बनाती हूँ, मैं वैसे बना रही हूँ। आज देखिए कैसे बनाती हूँ। ये मिक्स दाल है, देखो मैंने 200 ग्राम दाल ली है। 200 ग्राम बहुत है मेरी फैमिली के लिए, इसलिए 200 ग्राम ली हूँ। तो अभी देखो धो धा के मैंने इसको थोड़ा पानी डाल चुकी हूँ, और सिर्फ मैं 2 टमाटर साबुत डालूँगी, ऐसे ही 2 टमाटर और 1 प्याज और 2 हरी मिर्च और नमक और हल्दी डाल के कुकर की सीटी लगा दो। ये देखो बड़ी टेस्टी, बड़ी स्वादिष्ट, बड़ी अच्छी बनती है गाइस, और मिनटों में बन के तैयार होती है। बच्चे भूखे हो, कोई भी कहो ना, कोई भी आए, एक एक्स्ट्रा दाल जैसी भी बनानी हो, ऐसे देखो एक सीटी में बनती है गाइस। ये दाल बहुत टेस्टी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है, और ऐसे बनती है। देखो इसको मैं अच्छे से मैश करूँगी। इसमें पानी मैंने कम ही डाला था, पानी नहीं डाला था मैंने, इतना ही रखा जितनी दाल उबल जाए। हम ज़्यादा पतली नहीं करते, गाढ़ी गाढ़ी रखेंगे। ये देखो इसलिए इसको मैश कर रही हूँ, बस मैश करना ही है बस। और नॉर्मल तड़का जो हम लगाते हैं चम्मच में, घर में जो तड़का लगाते हैं, नहीं आप अपने हिसाब से तड़का लगा सकते हैं, और मेरा तड़का सिंपल है, जैसे मैं लगाती हूँ मेरी मम्मी लगाती है वैसे ही मैं बना रही हूँ। ये मिलोनी दाल बोलते हैं, मिलोनी मिक्स दाल बोलते हैं इसको। इसमें सब दालें मिक्स होती है, थोड़ी थोड़ी जो बच जाती है उसको मिक्स करके हम इकट्ठी करके बना लेते हैं घर में। तो राशन के आखिर में जो दालें थोड़ी थोड़ी बन जाती है ना, उसको मिक्स करके ऐसे मिलोनी दाल बोलते हैं। तो ये बाज़ार से भी आसानी से मिल जाती है, आप ले आ सकते हो। गाँव के स्टाइल से दाल बनेगी ये, अच्छी सी, बहुत टेस्टी भी बनती है, और झटपट रात में हम दाल ही खाते हैं, तो रात में दाल ही चलती है। तो डिनर में दाल देखो ऐसे बना रही हूँ मैं, इसको मैश कर लिया है, हो गया है, इतना ही इसका प्रोसेस है। अब मैं तड़के की तैयारी करूँगी। ये देखो गाइस कैसे बनती है, और बहुत स्वादिष्ट बनती है, उसका टेस्ट ही भूल जाओ। इसमें इसके इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा मैंने पानी डाला है, क्योंकि वो बहुत थिक थी, पानी उतना ही डाला जितना दाल उबल जाए। ये देखो, और ये बना के देखना गाइस, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनती है। यहाँ मैंने कढ़ाई रख ली है, अब मैं डाल रही हूँ सरसों, उसको चटकने दूँगी, और जीरा इसको चटकने दूँगी, दोनों मिक्स करके डालें आप। मैं तो सरसों डालती हूँ, दाल हो तो सरसों ज़रूर डालें आप। ये अब मैंने 2 प्याज काट के डाले हैं। हाँ एक गाइस, मैं हमेशा साबुत लहसुन उसमें डालती हूँ, ताकि उसमें उसका फ्लेवर अरोमा आ जाए। और इसमें मैंने, मेरे पास साबुत लहसुन नहीं था, पूरी डली नहीं थी, तो मैंने 2 कलियाँ थी वो ही छील के डाला है। जैसा वैसा काम चलाना पड़ता है गाइस, इंस्टेंट कहाँ से भागूँ अब मैं बाज़ार के लेने के लिए, तो यही था। तो ये इससे भी काम चल गया, या हींग से भी काम चल जाता है। हींग या डालो या लहसुन डालो बस। और एक मैंने प्याज, छोटा सा प्याज काट के रखा है, वो डालूँगी तड़के में, और इतना बढ़िया कलर आएगा गाइस। गाँव घर की दाल इतनी बढ़िया बनेगी, रेस्टोरेंट भी फेल है। हाँ देखो गाइस कैसे बन रही है, और सिर्फ 1 प्याज डाला है मैंने, और कुछ नहीं तड़के में, तामझाम कुछ नहीं डाला। पहले ही उबलने में सब चीज़ें डालो ना, बहुत इजी बनती है गाइस दाल, बहुत इजी तरीके से बनती है गाइस। कुछ ही सेकेंडों में बन गया था, एक सीटी में ये दाल बनती है, तो वेट ही नहीं करना पड़ता। ये देखो ऐसे बन रही है मज़ेदार। और हाँ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और थैंक यू, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। मेरी मानो चली गई है गाइस, इतना इतना मेरा मन भारी है ना, मेरे बच्चे रो रहे थे, हम सब रो रहे थे इसके लिए, इतना बुरे तरीके से वो ऊपर से गिर के उसको हार्म हो गया, उसकी डेथ ही हो गई है गाइस, इसके लिए क्या करें। बस ऊपर वाले को जो मंजूर हो, अल्लाह को जो मंजूर हो वही होना है, उसकी चीज़ें उसने ले ली है। ये देखो इसको मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया, इसको ब्राउन ज़रूर करें दाल में, तड़के में इसी का फ्लेवर आता है। देखो मैंने थोड़ा गरम मसाला ही लिया, थोड़ा लाल मिर्च, सुर्ख लाल मिर्च ली है, मिर्च हल्की ही रखती हूँ मैं दाल में, बच्चों को मेरे पसंद नहीं है। ये देखो अब इसमें दाल डालोगे ना, इतना बढ़िया रंग होएगा दाल का, और खाने वाला भी खुश, बनाने वाला भी खुश। और ऐसे बना के देखें मेरे स्टाइल से, अगर आपको लगता है ना तो कुछ कमी है, बस इसमें आधा नींबू डालें, नींबू से वो स्वाद आ जाएगा गाइस। मैं तो नींबू ही डालती हूँ। जब सब कुछ बन के तैयार हो जाता है ना, ऐसे अब तड़का लगा लिया, छोंक लगा लिया मैंने, तो इसमें आधा नींबू ज़रूर डालें, दाल बहुत चटपटी बनती है गाइस। देखो गाइस कलर मेरी दाल लग रही है क्या, ये सिंपल दाल,
सिंपल इजी वे में बन जाती है गाइस, एक सीटी में बनने वाली गाइस, एक सीटी में बनती है दोस्तों मेरी दाल ये। आप भी बना के ट्राई करें, और मम्मी ये बनाती है इतनी बढ़िया बढ़िया बनाती है, वही टेस्ट आएगा। देखो कितना कलरफुल लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। आप भी ट्राई करें, आप भी बनाएं। और मेरा दाल चावल ही बना था रात को, दाल चावल मैंने प्लेट नहीं बनाई, बस दाल को छोंक लगा के छोड़ दिया था। मेरी लड़की ने सर्व किया था, उसने प्लेट नहीं बनाई। हाँ जी, देखो गाइस कलर, देखो गाइस दाल हो गया काम ख़त्म, इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये देखो ढक दिया, ये देखो चावल एक साइड बन चुके हैं, छह लोगों के लिए काम ख़त्म हो गया।